Hi guys, it's AK for Make It A Career, and in this video I'm going to give you a review on Nexus 5X. Is it still worth it in 2018? So ye video mein aap logon ko batata hu main ki sorry for my bad voice because I'm not well. Meri tabiyat kharab hai to thodi awaaz upar niche aati. So is video mein aap logon ko batata hu ki main kaisa chal raha Nexus 5X 2018 mein, and how does it handle various apps. To aap log dekh sakte hain Nexus 5X बहुत ही अच्छा फ़ोन है. डिज़ाइन मैटर में भी डिज़ाइन भी अच्छा है फ़ोन का. लाइक अब शो यू फोकसिंग, शो यू ये जो लेज़र जो मिली जो फोकसिंग के वास्ते भी हेल्प करती है कैमरे में. तो चलो एक अब कैमरे तक आ ही गए तो कैमरे से स्टार्ट कर लेंगे. लाइक आप लोग देख सकते हैं लेज़र है, फ्लैश 12 फ्लैश मिली इसके अंदर, और कैमरा 12.3 मेगापिक्सल है जो कि 4K शूट कर सकता, और आपको शॉर्ट्स फिंगरप्रिंट वेरी बहुत फास्ट फिंगरप्रिंट है. उतना भी फास्ट नहीं है लाइक आपके फोन ऐसी, बट फाइन नॉट दैट बैड. कैमरा बहुत अच्छा कैमरा है, और सॉरी फ्लैश ऑन हो गई, ऑफ कर देंगे फ्लैश को. कैमरा अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है. मतलब उतना भी अच्छा डिसेंट है यार, डिसेंट एवरीथिंग इज डिसेंट ओवर हियर. सो प्रोसेसिंग और इमेज तो आप लोग देख सकते हैं, इमेज बहुत अच्छी है. और मैं आपको दूसरे भी इमेजेस दिखा दूँ, निकल लिया था सो पोर्ट्रेट में, ये फोकस्ड वाली लिया था एक, और एक ये लो लाइट में लिया था बाहर के. सो दिस पिक्चर आई हैव टुक यस्टरडे इन लो लाइट, एंड दिस इज Pixel showroom, whatever it is, Google showroom or whatever it is. I went over there and I saw Google Pixel 3. So, the jacket, I Google Pixel 3, dekha, Pixel 3 XL. Dekha. Ye dekh sakte, Pixel 3 XL hai. Aur, acha hai phone, behtareen hai. Aur aapko batata hu, main portrait shots bhi liya tha isse. Okay, guys, give me 2 minutes. I will show you portrait shots which I have took from this. पोर्ट्रेट शॉट्स मतलब एक गूगल NX बोल के कैमरा आता है, वो डालना पड़ता अपने को, अदरवाइज वो नहीं आता पोर्ट्रेट शॉट. अब फिर वक्त तो एक ही है पोर्ट्रेट शॉट मेरे पास, सॉरी जिया ये वाला एक पोर्ट्रेट शॉट है मेरे दोस्त की फोटो है. सो कैमरा इज़ वेरी गुड इन ऑल मैटर, सेल्फी कैमरा भी अच्छा है, सबसे ही 5 मेगापिक्सल में है. और अब जाएंगे अपन सेल थोड़ा नीचे उतर के फिंगरप्रिंट पे, फिंगरप्रिंट तो अच्छा अच्छा मालूम है. और इसको मैं अपडेट करा एंड्रॉयड पाई पे, तो एंड्रॉयड पाई के नए नए फीचर्स आए, स्वाइप डाइन टू स्वाइप डाउन टू, ये फीचर स्वाइप करो तो ये आता, स्क्रॉल इन फोटोज वो एक आए, और स्पीकर डिसेंट है यार. अब चलो उतना निकल के तो ब्रांडिंग तो मालूम है आपको, नेक्सस LG मैन्युफैक्चर, एविडेंट डिस्प्ले भी अच्छा काम करता है. और प्रेजेंटली मैं इस पे लाइक आई एम रनिंग ऑन एंड्रॉयड पाई विच इज़ वेरी गुड. यू कैन अपडेट इट, इट इज़ ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल, इट्स अनऑफिशियली ऑफिशियल, इट्स स्टेबल. स्टेबल. और ये इधर आप लोग सोच रहे होंगे, यू गाइस आर, यू गाइस माइट थिंक दैट why don't this phone contain like pill like something in navigation. तो आप लोग सोच रहे होंगे इन्हें अगर इज दिस इफ इट इज़ एंड्रॉयड 9 देन वाई देर इज़ नो पिल लाइक समथिंग वजह. तो उसको क्या करते हैं बोलते हो, उसको एनेबल करना पड़ता. इधर आप लोग सोच रहे होंगे कहीं को नहीं है बोलते, एनेबल करना पड़ता. एनेबल कैसा करते हैं, सॉरी जेस्चर्स में जाके स्वाइप अप होम बटन में जाके इधर हट जाओ, तो आप लोग देख सकते हैं पिल ये है. आप परफॉर्मेंस पाएंगे इसके, रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है यार, उतना अच्छा नहीं है. 5 ऐप्स मैक्सिमम, मिनिमम 3 ऐप्स. आपको प्रोसेसर दिखा देता हूँ, वो सब दिखा देता हूँ. लेट मी शो यू द प्रोसेसर. इट्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808 विच इज़ क्लॉक्ड एट 1.20 GHz विच इज 6 कोर विच इज हेक्सा कोर प्रोसेसर एंड विच वर्क्स ऑन 20 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी. And the GPU here is the GPU here used is Adreno 418 at 600 MHz, and it is LG Nexus 5X
brand Google, board name Bullhead, and screen size is 5.20 inches, 1080p, 423 dpi. You can screenshot this and you can see this, or else you can get the information from internet. And 2 GB of RAM, that's very good. I am not disappointed because this device don't allow this device don't give you any type of problem, like it won't give you any type of problems like stuck, hang or something like that. इन आपको कंप्लेन करने का मौका भी नहीं देती. इट वॉन्ट गिव यू अ चांस टू कंप्लेन. इट इज़ अ वेरी गुड डिवाइस. एंड सो गाइस, इन बिटवीन माई टंग स्लिप्स, सो सॉरी फॉर दैट. सो लेट अस गो टू परफॉर्मेंस. लाइक यू कैन सी, पबजी इज़ अ वेरी गुड डिवाइस गेम नाउअडेज़. एवरीवन इज़ प्लेइंग. एंड ओके, लेट इट बी गाइस, आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम अगेन एंड अगेन. Like it will make it will I want to keep this video short, so you can watch this video in my watch list. So guys, ye video aap log dekh sakte hain, PUBG gameplay pe dala tha main. Ye full video hai PUBG gameplay, Nexus 5X pe kaise chalta bolke, how does PUBG work and play, is it playable on Nexus 5X wali video dala tha. It will, so go to my channel and scroll on, you'll get over there, or you can see in my description. Check in my description, I will be providing it the link. And display is very good, display the bahut behtareen display iska, like bata do aapko ek image kuch bhi sample, ek 4k aur ke 4k god Jesus. Ye dekho guys, for जस्टिस करना है तो डिस्प्ले जस्ट बहुत अच्छा डिस्प्ले है. एमोलेड नहीं है, लाइक इट्स व्हाट आई कैन से, आईपीएस पैनल, इट्स आईपीएस पैनल. तो गाइस, फ़ोन ओवरऑल अच्छा है, बहुत बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट. अगर आपको बूट लूप्स फेस कर रहे हैं, बैटरी प्रॉब्लम तो बैटरी चेंज करना पड़ता है. इफ़ यू आर फेसिंग बैटरी प्रॉब्लम, देन यू हैव टू चेंज द बैटरी. इफ़ यू आर फेसिंग boot loops or something like that, then you can change your you can unlock your bootloader, and you can change the ROM, तो आप लोग क्या कर सकते हो बोल तो कस्टम रोम डाल ले सकते हैं. यू कैन इंस्टॉल और फ्लैश कस्टम रोम ऑन दिस डिवाइस एंड कस्टम कर्नल. इट वुड बी हेल्पफुल टू यू गाइस ओनली. एंड थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, पीस एंड टेल. एंड इज इट स्टिल वर्थ इन 2018? आई गेस यस. नो, आई से यस बिकॉज इट्स great device. So I hope you guys like this video. Sorry my tongue slips. Make sure you subscribe to my channel for this videos, and if you have any issues regarding this video, any video, comment below, I will make video according to that or regarding that. Agar aapko kuch bhi issues hai phone se related to, apna kya karo bolte ho, kaise bhi video ke niche jaake comment kar do, main kya karta hu bolte ho, uske upar ek solution video bana do, nahi to aisa kuch video bana do. I hope you guys like this video. Make sure you have subscribed to my channel. Thanks for watching, peace and love.